के साथ साबुत मूंग की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। किस बात की, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कटोरी हम मूंग लिए हैं, देखिए हमारा साबुत मूंग है, इसे हम ओवरनाइट भिगा के रखे थे, 4 से 5 घंटा में भी ये अच्छे से फूल जाता है। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे इसमें, 2 हरी मिर्च इसे तोड़ देंगे, 5 कलियाँ लहसुन का इसे हम छील लिए। यहाँ एक मिक्सी का जार लिए हैं, अभी सबको इसमें हम डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा के फाइन पेस्ट बना के इसे हम तैयार कर लेंगे। यहाँ साबुत मूंग को हम अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, पेस्ट निकाल के अलग कटोरी में रख लेंगे, ये हमारी ग्रेवी में काम आएगी। इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी के साथ सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हल्दी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल, हमारा अच्छे से गर्म हो चुका। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, पेपर के पत्ता और 1 हरी मिर्च। हम डाल देंगे कटा हुआ 1 प्याज, ब्राउन होने तक अच्छे से हम भून लेंगे चलाते हुए। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सभी को अच्छे से भून लेंगे। हम डाल देंगे स्लाइस किया हुआ टमाटर, यहाँ हम 1 टमाटर लिए हैं, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच, जो दाल का पेस्ट बचा के रखे थे उसको भी। प्याज के साथ टमाटर भी अच्छे से भून चुका, देखिए गल गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, इस समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दें, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। ये है नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी मसाले के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देंगे 1/2 कटोरी पानी, पानी के साथ सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में अच्छे से उबाल आ चुका, अब इसके ऊपर एक जाली वाला प्लेट रख देंगे हम। ये जाली वाला प्लेट नहीं हो तो आप यहाँ नीचे कटोरी रख के उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिएगा, जो प्लेट यूज कीजिएगा उसके ऊपर तेल से ग्रीस कर लीजिएगा। और जो मूंग दाल के हम पीस के बना के रखे थे उसको छोटे छोटे ऐसे बड़ी के जैसे रख देंगे, एक साथ दो दो काम हो जाएगा हमारा। अभी बड़िया हम बना लिए हैं इस जाली में, अब इसके ऊपर से हम लीड लगा देंगे और 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुका, चलिए इसका लीड हटा करके देखते हैं, गरम है लेकिन देखिए कितना अच्छा से पक गया है। ऐसे गरम गरम ही सबको छुड़ा लेंगे, हम तेल से ग्रीस किए थे इसीलिए अच्छे से छूट जाएगा। प्लेट को हटा देंगे और मसाले देख लेते हैं, देखिए हमारे मसाले का भी कलर कितना प्यारा आया है, एक बार इसे हम चला लेंगे। अभी बड़ी को हम डाल देंगे जो स्टीम हुआ है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आगे 2 मिनट हम और इसे पका लेंगे ताकि सभी मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छे से जाए। तो पकते हुए 2 मिनट हो चुका, और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐसे क्रश करके डालेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा है। इसे मिक्स करेंगे और से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये लीजिए हमारा मैदार से मूंग की सब्जी बनके तैयार हो गई, देख रहे हैं कितना मस्त दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, जिसे बनाना कितना आसान है आप 10 मिनट में ही बना के तैयार कर सकते हैं। इसे रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। यदि आप लोग को हमारे ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।